हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ एसएससी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 5.1 शुरू किया था और उसका हमने अब तक क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 देख चुका है। अब हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करने से पहले एक क्विक रिविजन ले लो जो आपने लेक्चर 1 में सुना था। अब तक हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा क्या है, हमने इस चैप्टर को शुरू किया है जो एसएससी में सबसे आसान चैप्टर होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर ज्योमेट्री में बोला जाए सबसे इजी चैप्टर कौन सा है तो मैं मानकर चलूंगा कि वो ये है, कौन सा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तक हमने इसमें देखा कि हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा है। अगर आपने पहला लेक्चर नहीं देखा है और अगर आप सेकंड लेक्चर पर आए तो प्लीज आप जाएं और पहला लेक्चर देखें। तो अगर एक पॉइंट है मेरे पास ए, उस पॉइंट से मैं कहां पर आना चाहता हूं, इधर, सॉरी, एक पॉइंट है बी, इन दोनों के बीच में अगर मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है तो सपोज करो इसका कोई पॉइंट होगा, लेट्स से नाम है x1 y1, इसका कोई पॉइंट होगा x2 y2। इसका मतलब आप समझ रहे हैं ना, ये ए और बी पॉइंट कोई रैंडम प्लेन में नहीं है, वो एक ग्राफ पर होंगे। तो मैंने कल बताया था, यानी कि लास्ट लेक्चर में आपको बताया था कि आप जब भी किसी पॉइंट का नाम देते हैं तो पहला उसका x कोऑर्डिनेट लिखते हैं और दूसरा y कोऑर्डिनेट लिखते हैं। अगर हमें ए बी के बीच में डिस्टेंस निकालना था तो हमने डिस्टेंस फार्मूला पढ़ा था और वो फार्मूला क्या था बताओ, वो फार्मूला था अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर। ये फार्मूला हमने पढ़ा था एंड इट डजंट रियली मैटर इफ यू इंटरचेंज दी वैल्यू, इफ यू इंटरचेंज दी दिस x1 y1 विद x2 y2, मतलब आप x1 y1 की जगह x2 y2 भी लिख सकते हो और x2 y2 की जगह x1 y1 भी लिख सकते हो, बिकॉज यहां पर क्या है, स्क्वायर है। ये मैंने इतना आपको बताया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर जाने वाले हैं, तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं आज के लेक्चर की। तो क्वेश्चन नंबर 3 को पहले तो इंपॉर्टेंट मार्क करो, स्टार मार्क लगाओ और उसे इंपॉर्टेंट मार्क करो क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, ये देखो, क्वेश्चन नंबर 3 आपको ये कह रहा है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए -3,4 एंड बी -1,-4। मतलब मैं बता रहा हूं, एक पॉइंट दिया है ए जिसके कोऑर्डिनेट्स है आपके पास -3,4 है और एक पॉइंट है आपके पास बी जिसके कोऑर्डिनेट आपके पास है 1,-4। ठीक है, अब आपको क्या करना है वो देखो, आपको ये करना है, देखो मैं डायग्राम बना के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सपोज करो एक पॉइंट है सी, सी पॉइंट से ए का डिस्टेंस और सी पॉइंट से बी का डिस्टेंस बराबर है, ये वो कह रहा है, यानी कि एक ऐसा पॉइंट है जहां से सी ए का डिस्टेंस और सी बी का, मतलब अगर ये 10 है तो ये भी 10 होगा ऐसे। तो और ए के कोऑर्डिनेट्स मैं यहां लिख दूं अगर -3,4 है, बी के कोऑर्डिनेट्स लिख दूं 1,-4 है, और अगर इन दोनों के डिस्टेंस बराबर है और इसके सपोज करो कोऑर्डिनेट है x1 या x और y ले लेते हैं खाली, इसके कोऑर्डिनेट हमें नहीं पता तो हम क्या लेते हैं x और y। तो आपको बोला है आपको सिर्फ c का कौन सा कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, x, समझ गए, x एक्सिस से इक्विडिस्टेंस पूछा है ना आपको, तो आपको सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट निकालना है c पॉइंट का x वाला, हमें y से कोई मतलब नहीं है, समझ गए। इक्वेशन में जहां पर हमें y मिलेगा हम y को क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, 0। ठीक है, अब इसको शुरू करने से पहले या इसको करने से पहले मुझे बताओ कि हमको एनालाइज कैसे करेंगे। अगर हम एनालाइज करने जाएं इस प्रॉब्लम को तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिया है इक्विडिस्टेंस, ये शब्द आपको दिया है। इक्विडिस्टेंस का क्या मतलब है, इक्विडिस्टेंट का यही मतलब है ए से लेके सी तक का डिस्टेंस और बी से लेके सी तक का डिस्टेंस क्या है, बराबर। अब दूसरा एक थॉट ये दो, क्या आपको ये नहीं पता कि इसके अंदर हमने सिर्फ एक ही फॉर्मूला अब तक पढ़ा है, कौन सा पढ़ा है, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस सब में भी बट ऑब्वियसली तुम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करोगे, डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे। तो अगर डिस्टेंस फार्मूला अप्लाई करोगे तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको ये दिया है कि डिस्टेंस ऑफ एसी किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ बीसी के बराबर है, यही है ना, तो मैथमेटिकली इसको ऐसे लिख दिया। तो अब हम डिस्टेंस ऑफ एसी निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ एसी निकालने के लिए फार्मूला क्या होगा, अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, सेम इसके लिए भी यही फार्मूला आएगा। ओके, अच्छा, तो एसी का डिस्टेंस निकालने के लिए तो हम एसी के पॉइंट को कंसीडर करेंगे और बीसी का डिस्टेंस निकालने के लिए बीसी के पॉइंट को कंसीडर करेंगे। हाँ, तो अब अगर एसी के लिए लिया जाए, मैं थोड़ा सा डिटेल में बता देता हूँ वरना मैं डायरेक्टली लिख देता। अगर आप फॉर एसी, फॉर डिस्टेंस ऑफ एसी की अगर बात करें, ये मैं तुम्हारे समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं बाद में रब करके इसको एक साथ ही लिखूंगा। अगर एसी का डिस्टेंस निकालने जाए तो मैं पहले, ये ए है -3,4 है और सी पॉइंट क्या है तुम्हारा x,y है, बराबर। तो तुम बोलेंगे सर इसे x1 ले लो, इसे y1 ले लो, इसे x2 ले लो और इसे y2 ले लो। हाँ,
बराबर है, ये ऐसे ही ले लेते हैं, ठीक है। अगर अगर मेरा कैलकुलेशन जैसा भी आसान पड़ा, याद है मैंने लेक्चर के स्टार्ट ही में तुमको बताया था, मैं x1 y1 x2 y2 को इंटरचेंज भी कर सकता हूँ अपने कन्वीनियंस के हिसाब से। इस प्रॉब्लम में वो आप देखेंगे जहाँ पर हम इसे चेंज करेंगे। तो ये हो गया x1 ले लिए और इसे ले लिया x2 ले लिया, ये y2 हो गया और ये y1 हो गया, ठीक है। तो अगर इसका डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे तो डिस्टेंस ऑफ AC कैसे निकलेगा बताओ। डिस्टेंस ऑफ AC निकालने के लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले फॉर्मूला क्या है बताओ, हमारा फॉर्मूला है हमारा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर, समझ गए। अब बताओ क्या है x2, क्या है x2, ये है x है तो क्या आएगा, x आएगा। हमारी ट्रिक पता है ना, दो बार अगर लगातार माइनस आए तो आप प्लस कर देंगे, तो ये बेटा फॉर्मूले का माइनस हो गया, ठीक है। और x1 ये वाला माइनस हो गया, x1 में देखो -3 है ना, तो ये माइनस और फॉर्मूले का माइनस ऐड अप होके क्या हो जाएगा, +3 डी होल स्क्वायर। प्लस y2 क्या है, y2 है y, उसमें से y1 निकालना है तो क्या हो जाएगा, 4 डी होल स्क्वायर आ जाएगा। इतनी बात समझ नहीं, थोड़ी देर के लिए इसको ऐसे ही छोड़ दो। अब उसी लाइन पर मुझे ये बताओ कि हमें निकालना है BC, ठीक है। तो अगर BC के लिए निकालेंगे हम, तो BC के लिए अगर निकालने जाएंगे तो B के सबसे पहले पॉइंट है मेरे पास, वो क्या है, 1, -4 है, और C के जो मेरे पॉइंट है वो कौन से है, x, y है। तो अगर इसे हम x1 y1 ले लेते हैं, ठीक है, ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, और ये क्या हो गया, x2 हो गया, y2 हो गया, ठीक है ना। अच्छा मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप ये सोचेंगे कि क्या सर मैं चेंज कर सकता हूं, मतलब मैंने अगर इस प्रॉब्लम में स्पेसिफिकली ये प्रॉब्लम की बात कर रहा हूं मैं, अगर तुम सोचेंगे क्या सर स्पेसिफिकली इस प्रॉब्लम में मैं इसे x2 y2 ले लूं और इसे x1 y1 ले लूं तो क्या होगा, यहां पर ले सकते हो, सब अलाउड है, पर आपका कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगा, याद रखना। वो क्यों होगा डिफिकल्ट, आप एक बार लो तो आपको समझने आएगा, और रियली बहुत ज्यादा आपको ये है कि हाँ सर बताओ कि कैसा होगा तो मेरे को बताना, तो मैं बता दूंगा बाद में, ठीक है। अब डिस्टेंस ऑफ BC कैसे निकालेंगे बताओ, डिस्टेंस ऑफ BC ऐसे निकाला जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 डी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 डी होल स्क्वायर। हर बार सम करोगे, जब भी सम करना है हर बार आपको फॉर्मूला लिखना जरूरी है, याद रखो, तो तभी आपको एग्जाम में याद रहेगा, और फॉर्मूला मेंशन करने पर एग्जाम में मार्क्स होते हैं। ओके, नाउ x2 क्या है, देखो x है ना, ऐसे इसमें से माइनस करेंगे, x माइनस 1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 y है, और ये माइनस दो बार लगातार माइनस आ गया, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस, तो क्या हो जाएगा प्लस, तो y प्लस 4 दी होल स्क्वायर। यहाँ तक होने के बाद हमने यहाँ पर एक कहानी लिखी थी, वो कहानी क्या थी, AC किसके बराबर है, BC के बराबर। तो हमने यहाँ पर AC निकाला और यहाँ पर क्या निकाला, BC निकाला। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि AC किसके बराबर होगा, BC के बराबर होगा। अरे मानकर चल रहे हो यानी, ठीक है। तो अगर AC BC के बराबर है तो अब क्या करेंगे, देखो अब आप करेंगे ये, इसको रफ कर देता, इतना तो लिख लिया होगा आपने, तो AC क्या है, AC था डिस्टेंस ऑफ AC जो है वो डिस्टेंस ऑफ BC के बराबर है। सो डिस्टेंस ऑफ AC क्या है, डिस्टेंस ऑफ AC है हमारा अंडर रूट ऑफ x+3 डी होल स्क्वायर प्लस y-4 डी होल स्क्वायर इज इक्वल्स, यहाँ पर डिस्टेंस ऑफ BC आएगा, इतना लिख लिए होंगे ना, हाँ स्नैप ले लो इसका, मैं इसको रब कर रहा हूँ अभी, ओके। हाँ तो यहाँ पर जो BC है वो लिख देते हैं, BC क्या है, BC है x-1 डी होल स्क्वायर प्लस y+4 डी होल स्क्वायर। यहाँ होगा अंडर रूट ऑफ x-1 डी होल स्क्वायर प्लस y+4 डी होल स्क्वायर। इतनी बात आपको समझने आ गई, इतना आपको समझना आया। अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, अब तो यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो दोनों जगह स्क्वायर रूट आ रहा है, दोनों जगह स्क्वायर रूट अगर इक्वल टू के आजू बाजू में है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं, वो दोनों जगह स्क्वायर करोगे तब भी होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर इन दोनों की छत उड़ गई, तो यहाँ की घर की छत चली गई इनकी, तो बचा गया यहाँ पर x+3 दी होल स्क्वायर y-4 दी होल स्क्वायर इसी को, यहाँ क्या बचा x-1 दी होल स्क्वायर प्लस y+4 दी होल स्क्वायर। अच्छा अब यहाँ पे दो बातें मुझे बतानी है, वो दो बातें क्या है वो ध्यान सुनो।
वो दो बातें ये है बेटा, आप बोलेंगे सर आपने बोला था कि यहाँ पे जीरो पुट कर देना वाई पे, क्योंकि वाई तो निकालना ही नहीं है, तो मैं यहाँ पे जल्दी से जीरो पुट कर देता हूँ और ये सॉल्व कर लेता। नहीं, गलत हो जाएगा। आप पहले इसको एक्सपांड करेंगे और फिर वाई में जीरो पुट करेंगे, क्योंकि जब इसको एक्सपांड करेंगे तो वाई के अलावा भी इसमें चीजें हैं, जैसे यहाँ से भी 16 आएगा और यहाँ से भी 16 आएगा। ये पहली बात थी। दूसरी बात ये है कि इसको एक्सपांड करने के लिए फॉर्मूला कौन सा लगेगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे हैं तो आपको a प्लस बी और a माइनस बी द होल स्क्वायर याद होगा। अगर आप मैथ्स में अच्छे नहीं है तो मैं आपके लिए रिवाइज करा देता हूँ, a प्लस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है। अगर याद है तो जोर से बोलो घर में, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अगर नहीं भी याद है तभी भी जोर से ही बोलना है। a माइनस बी द होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अपने फॉर्मूले के ये फॉर्मूला जो है अपने बुक के मार्जिन के ऊपर लिख दो अगर आपको ये याद नहीं है तो, ठीक है। अब ये लिखने के बाद भी कई बच्चों को ये कन्फ्यूजन होता है सर अप्लाई कैसे करेंगे। आप बोल तो दिए एक्सपांड कर दो, ब्रैकेट को ओपन कर दो, तो ब्रैकेट को ओपन कैसे करते हैं बेटा, बहुत आसान है। ब्रैकेट को ओपन करने कोई भी ब्रैकेट पकड़ो, पहले बीच में साइन देखो प्लस है या माइनस है, इन दोनों में भी आप प्लस रहेगा तो मिडल पे प्लस आएगा वरना माइनस आएगा, बाकी जगह क्या होता है प्लस। इसको एक्सपांड करने का तरीका बहुत आसान है, ये दोनों उंगली अपनी यहाँ पर रखे, फिंगर्स यहाँ पर रखे, थ्री को बोले तेरा स्क्वायर क्या है तो बोलेगा 9, एक्स को बोले उसका स्क्वायर क्या है तो बोलेगा एक्स स्क्वायर, बराबर। तो लिख दो ये हो गया इसका स्क्वायर एक्स स्क्वायर, थ्री को बोलो बोला, थ्री क्या बोला, बोला बोला ना नहीं ने। बीच में क्या लिखेंगे वो सुनो, बीच में लिखेंगे ये दोनों उंगली ऐसी रखी थी ना, अब मिला दो इसको, क्या बना 3x, क्या बना 3x बना। अब इसको ये कितना दिख रहा है, 2 दिख रहा है, यानी कि डबल करो, 3x का डबल कितना हो जाएगा बेटा, उसको बोलो डबल करो, 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, तो यहाँ कितना आएगा 8y आएगा। शाबाश, तुमको फॉर्मूला आ गया। किसने बोला था फॉर्मूला टफ है, है ना। यहाँ पर क्या होगा, मैं 16 को थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ। अब यहाँ पे बोलो क्या होगा, अब मैं इतना स्लो नहीं जाऊंगा, आप समझ जाओ। यहाँ पर क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर होगा, एक्स और वन टकराएंगे तो एक्स वन का क्या होगा 1x, यानी के एक्स, और 1x का डबल कितना होगा 2x, तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस 2x, और 1 का स्क्वायर क्या होगा 1। यहाँ पर बोलो जोर से पूछो वाई को स्क्वायर क्या है तो बताएगा सर वाई स्क्वायर, दोनों को टकराओ वाई और 4 को मिलाओ क्या बनेगा 4y, डबल करो क्या बनेगा 8y, तो ये क्या होगा 8y, और 4 का स्क्वायर कितना होगा 16। दिखा तुमने यहाँ से पूरा ये फैमिली थी एक्सपांड करके पूरा डायनेस्टी खड़ा कर दी, पूरा एक खानदान बना दिया यहाँ तो। हाँ, अब अपन गेम खेलेंगे यहाँ पर, ये इधर एक साइड टीम और यहाँ पे दूसरी साइड टीम है। इक्वल्स टू जब भी रहता है तो टर्म्स कौन से कैंसिल होते हैं जिनकी साइन दोनों जगह सेम है, मतलब अगर यहाँ पर प्लस 1 है, यहाँ पर भी प्लस 1 है और बीच में इक्वल्स टू है, तो प्लस 1 क्या होंगे कैंसिल, ठीक है। मेरी तरह एक्शन मत करना घर पे जैसे मैं कर रहा हूँ। हाँ, दूसरा देखो यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर और ये एक्स स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल, क्यों, यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर की साइन क्या है प्लस, इधर मत देखो प्लस, हमेशा किसी भी नंबर की साइन या किसी भी वेरिएबल की साइन कहाँ देखते हो, उसके लेफ्ट में, तो यहाँ कुछ नहीं है तो प्लस है, ये कैंसिल हो गया। देखो प्लस 16 और प्लस 16 भी क्या होगा कैंसिल, हाँ अगर यहाँ प्लस 16 है यहाँ माइनस 16 होता तो कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक है, फेयर इनफ, ओके। इसके बाद और कुछ कैंसिल हो रहा है, हाँ वाई स्क्वायर भी बोल रहा है भाई मैं पीछे की छोड़ूंगा। हाँ, तुम सिली मिस्टेक जो होती है ना, सिली मिस्टेक हो सकती है। वो सिली मिस्टेक क्या है, तुम बोलेंगे सर 8y और 8y मैं कैंसिल कर दूँ, ऐसे तो नहीं हो सकता, है ना, क्यों, क्योंकि यहाँ पर माइनस 8y और यहाँ पर क्या है प्लस 8y, तो कैंसिल नहीं होगा और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, तो लिख दो यहाँ पर क्या बचा, बोलो 6x प्लस 9 है ना माइनस 8y, इधर क्या बचा बेटा, इधर बचा माइनस 2x और कितना है प्लस 1 है ना, और प्लस 8y, इतना बच गया, इतना समझ गए, ठीक है। इतना पहले स्नैप ले लो, लिख लो ये फॉर्मूले, ये पेज के बीच में ही लिखना, एग्जाम में लिखना नहीं है, इसको लिख लिए, अब मैं आगे बढ़ता हूँ। हाँ चल, आगे देखो क्या होगा, आगे ये होगा, अब ये दोनों को तो ऐड नहीं कर सकते क्योंकि रैबिट के लिए इसमें तो रैबिट ही रहता है ना, इसका मतलब क्या
सेम वेरिएबल वाले सेम रेस में जाएंगे, ये दोनों तो ऐड नहीं होगा। पहले इन सबको यहाँ लेकर आओ, अब टीम को एड कर दो, तो ये 6x होगा, प्लस 9 है, माइनस 8 वाले है, बराबर माइनस 2x यहाँ आकर क्या हो जाएगा, प्लस 2x हो जाएगा, प्लस 1 यहाँ आकर क्या हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, प्लस 8y आके क्या हो जाएगा, माइनस 8y = 0 आ गया। सारा गांव एक तरफ हो गया, हाँ उस गांव में कोई बचा नहीं। अच्छा अब करो जो तुमको करना है, 6x और 2x कितना हो जाएगा, 8x हो जाएगा बेटा, हाँ इतना समझे, 9 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 8 बच जाएगा, -8y - 8y कितना होगा, -16y = क्या होगा, 0। अब वो मोमेंट आ गया जहाँ मैंने कहा था कि वाई को 0 पुट अप कर देना, क्यों, क्योंकि हम वाई में इंटरेस्टेड नहीं है फाइंड आउट करने में कि वाई का कोऑर्डिनेट क्या आएगा, तो पुट y = क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब आप यहाँ पर 0 पुट अप कर देंगे तो क्या होगा, 0 आपने पुट अप कर दिया तो ये क्या होगा, 8x + 8 हो जाएगा, -16 × 0 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 8x + 8 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसके बाद आप क्या करेंगे, इसके बाद आप ये करेंगे, 8x + 8 यहाँ आकर क्या हो जाएगा बेटा, -8 हो जाएगा, x का वैल्यू क्या आएगा, -8/8 हो जाएगा, ये यहाँ पर मल्टीप्लाई में आके डिवाइड हो जाएगा, x का वैल्यू आपको क्या मिल जाएगा, -1 मिल जाएगा। समझ में आया, सो ये था आपका एंटायर ये सम, इस सम को मार्क करो, इम्पोर्टेंट, अक्सर बार आपको बोर्ड एग्जाम में, आपके स्कूल के एग्जाम में कई बार ये आपको सम पूछ लिया जाएगा। ओके अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट सम की तरफ, तो हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। तो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्या है हमारा वो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है हमारा, क्या कहता है वो देखो, हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम कह रहा है, वेरीफाई द पॉइंट्स पी क्यू एंड आर आर द वर्टाइसेस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल। आपको वेरीफाई करना है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। कैसे वेरीफाई करेंगे, तो यहाँ पर पॉइंट पी दिया हुआ है जो कि -2,2 है, यहाँ पॉइंट क्यू दिया हुआ है जो कि 2,2 है, यहाँ पॉइंट आर दिया हुआ है जो कि 2,7 है। आपको वेरीफाई करना है कि ट्राइंगल ये जो है राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टाइसेस है या नहीं। एक राइट एंगल ट्राइंगल को वेरीफाई करने के लिए क्या जरूरी है, एक हमको कैसे मालूम पड़ता है कि कोई ट्राइंगल राइट एंगल ट्राइंगल है, सर आप बोलेंगे 90 डिग्री पर यहाँ तो हमारे पास कोई स्कोप है नहीं कि हम एंगल फाइंड आउट करें, और ये मत बोलना कि सर आपने राइट एंगल ट्राइंगल बना दिया, वो तुम्हारे विजुअलाइजेशन के लिए बना है, ठीक है ना, मन में जो सवाल आ रहा है उसको अंदर रखो थोड़ी देर, ठीक है, हाँ। तो राइट एंगल ट्राइंगल को बताने के लिए एंगल के अलावा दूसरा ये है, हमने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ा है, काफ़ी सिंपल है, सबको पता है पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है, हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइड स्क्वायर + अदर साइड स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर ये अगर हाइपोटेनियस ये है तो उसका स्क्वायर बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर आना चाहिए। तो सबसे पहले हम हाइपोटेनियस का डिस्टेंस निकालेंगे, यानी कि हाइपोटेनियस की लेंथ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस फार्मूला से, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा डायरेक्ट अप्रोच रखूँगा, डिस्टेंस ऑफ पी आर निकालना है, ठीक है। तो उसके लिए पी क्या है, -2,2 है, और आर क्या है, 2,7 है। आप फार्मूला लिख लेना, मैं फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ वरना वीडियो बड़ी हो जाएगी, हर बार मैं फार्मूला लिख कर बताने जाऊँगा। अब माइनस करना है तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, इसमें से इसको माइनस करते हैं, काफ़ी बार कर चुके हैं, तो ये बताओ ये क्या होगा, 2 - - क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2 + 2 कितना हो जाएगा, यहाँ पर आ गया ये, यहाँ पर क्या आएगा बताओ, 7 - 2 होल स्क्वायर। फिर रफ इतनी बात समझिए आपको, इसके अलावा यहाँ क्या होगा, 2 + 2 कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर, ठीक है, और 7 - 2 कितना हो जाएगा, 5 स्क्वायर, ठीक है। 4 का स्क्वायर कितना होगा, 16, 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 25, ठीक है, यहाँ तक आ गए हम। तो अब इसको क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो 16, 6 + 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा, है ना, 6 और 5 11 होगा, 2 + 1 3, और ये कितना हो जाएगा, 41। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, हमें √41 आ रहा है, ठीक है, फेयर इनफ। अब हम निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पी क्यू, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालने के लिए अब हम क्या करेंगे, पी का पॉइंट लिखेंगे, -2,2 था, ठीक है, उसके अलावा हम लिखेंगे आर का, क्यू का पॉइंट, सॉरी पी क्यू है ना, तो 2,2 है, फेयर इनफ, तो -2,2 और 2,2, तो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालते हैं हम। सो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू निकालने के लिए
आप इसमें से इसको माइनस करें, इसमें से इसको माइनस करें, टू है, दो बार माइनस आ रहा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, टू माइनस टू, देखो यहाँ पे जीरो लिख दिया मैंने, ये क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर, फेयर इनफ, टू माइनस टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, यहाँ पर टू प्लस टू कितना हो जाएगा, फोर हो जाएगा, और यहाँ क्या आएगा, फोर का स्क्वायर आएगा, ये स्क्वायर और ये रूट क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आंसर क्या आ रहा है, फोर आ रहा है, तो इसका डिस्टेंस हमें क्या मिल रहा है, फोर मिल रहा है, और इसका डिस्टेंस फोर मिल रहा है ना, तो ये भी वैसे ही कुछ होना चाहिए। चलो पहले देखते हैं निकाल के, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालते हैं। अब डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालने के लिए आप क्यू का पॉइंट देखेंगे पहले, क्यू का पॉइंट क्या है तुम्हारे पास, मैं यहाँ पर लिख दूँ स्पेस का कंस्ट्रेंट, इसीलिए क्यू का पॉइंट है टू कॉमा टू, और आर का पॉइंट है आपके पास टू कॉमा सेवन, ठीक है। हाँ तो इसको, अच्छा इसमें ना एक और एक चीज़ भी करके रखो, क्योंकि मुझे लग रहा है इसको ऐसे रखो, कैंसिल मत करो रूट को, क्योंकि आंसर आने के लिए ये कितना हो जाएगा, रूट सिक्सटीन होगा, इसको बाहर मत निकालो, मतलब सिक्सटीन को निकाल के फोर मत करना, ठीक है। अच्छा डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालते हैं, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालने के लिए हम फॉर्मूला लेंगे, इसमें से इसको माइनस कर दो, टू माइनस टू द होल स्क्वायर, और यहाँ क्या होगा, सेवन माइनस टू द होल स्क्वायर, तो टू माइनस टू कितना होगा बेटा, जीरो होगा, और सेवन माइनस टू कितना हो जाएगा, फाइव, हाँ, और ये जीरो हो जाएगा, ये अंडर रूट फाइव का स्क्वायर कितना होगा, ट्वेंटी फाइव, यानी कि ये रूट सिक्सटीन आ रहा है और ये कितना आ रहा है, रूट ट्वेंटी फाइव आ रहा है, और इन दोनों को प्लस करोगे तो कितना होगा, फोर्टी वन ही होगा। तो एंड में कंक्लूजन क्या लिखेंगे हम लोग, वो देखो इतना लिख लो पहले, ठीक है। कंक्लूजन क्या होगा ये देखो, कंक्लूजन हमारा ये होगा कि आप डिस्टेंस ऑफ पी आर किसके बराबर है, देखो हाँ डिस्टेंस ऑफ ये पी आर कितना है, रूट फोर्टी वन है, और डिस्टेंस ऑफ पी आर किसके बराबर है, डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर है ना, इसके बराबर है, यानी कि अगर हम इसका स्क्वायर करेंगे इनके डिस्टेंस का, तो इसका डिस्टेंस क्या है बताओ, यानी कि रूट फोर्टी वन किसके बराबर है, रूट सिक्सटीन प्लस रूट ट्वेंटी फाइव के बराबर है ना। तो ये सब जगह से अगर स्क्वायर करेंगे हर जगह, तो बताओ अगर यहाँ पे स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी अगर स्क्वायर हो गया, यहाँ पर भी अगर स्क्वायर हो गया, सब जगह स्क्वायर कर दिया थ्रू आउट, तो 41 हो जाएगा, और 16 प्लस 25 भी आपको कितना मिलेगा, 41 मिलेगा। तो यानी कि आपको है ना, तो इसका मतलब कि ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, काइंड ऑफ स्टूपिडिटी हो जाएगी अगर ऐसे लिख कर दिखाएंगे तो, ठीक है। यानी कि आपको हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके बराबर मिला है, बाकी दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर मिला है, ये भी लिखने की जरूरत नहीं है। तो लास्ट मिनट में कंक्लूजन क्या लिखोगे, कंक्लूजन ये लिखोगे देयरफॉर ट्रायंगल पीक्यूआर इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आया होगा ये बात, ठीक है, ओके फेयर इनफ, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, शो दैट द पॉइंट्स पी क्यू आर एस आर द वर्टाइसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, आपको पी क्यू आर एस को वर्टाइसेस बताना है पैरेललोग्राम के, ठीक है। तो सबसे पहले मैं फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, ठीक है, ठीक है, पी क्यू आर एस, पी दिया है टू कॉमा माइनस टू, क्यू दिया है सेवन कॉमा थ्री, आर दिया है इलेवन कॉमा माइनस वन, एस दिया है सिक्स कॉमा माइनस सिक्स, ठीक है। अब सबको एनालाइज करो, बताओ अगर आपको ये बोला जाए कि आपको प्रूफ करना है कोई एक क्वाड्रिलेटरल यहाँ पर जिसके वर्टाइसेस क्या होना चाहिए, पैरेललोग्राम होना चाहिए, तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी है, पैरेललोग्राम की ये प्रॉपर्टी है कि उसके अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, यानी कि अगर ये 10 होगा तो ये भी 10 होगा, और ये 5 होगा तो ये भी क्या होगा, 5 होगा। तो बताने का मतलब तो समझ गए होंगे, यानी कि आपको यहाँ पर फाइंड आउट क्या करना है, आपको यहाँ पर पी एस का डिस्टेंस निकालना है, और उसको किससे कंपेयर करोगे, क्यू आर से, क्योंकि पी एस के सामने कौन आ रहा है, क्यू आर आ रहा है,
पैरेललोग्राम में यही बोलता है ना, उसके अपोजिट साइड्स इक्वल होना चाहिए, यानी पीएस का जितना डिस्टेंस होगा उतना ही डिस्टेंस किसका हो क्यूआर का, और पीक्यू का जितना डिस्टेंस होगा वही डिस्टेंस किसका होना चाहिए एसआर का। ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा शॉर्ट में कर देता हूं, सम को एकदम डिटेल नहीं आता हूं। डिस्टेंस ऑफ आप पहले निकाल लो पीक्यू, कौन सा डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस ऑफ पीक्यू निकाल लो। पीक्यू निकालने के लिए हाँ इसको इससे माइनस करेंगे तो ये क्या होगा बताओ, 7 - 2 दी होल स्क्वायर, यहाँ पर 3 दो बार माइनस है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, प्लस 2 दी होल स्क्वायर। 7 - 2 कितना हो जाएगा 5, यहाँ पे 5 का स्क्वायर। 3 - 2 कितना हो जाएगा 5, 5 का स्क्वायर कितना होगा 25, यहाँ पर भी क्या होगा 25, 25 और 25 कितना हो जाएगा 50, है ना। 50 को ऐसे भी लिख सकता हूँ 25 2 दो बार 25 2 50 होता है, 25 + 25 भी वही होता है, क्योंकि यहाँ से अब 25 बाहर आकर क्या हो जाएगा 5, तो ये कितना हो जाएगा 5√2, तो यहाँ पर कितना आएगा आंसर 5√2 आंसर आ गया इसका। ठीक है, तो डिस्टेंस ऑफ पीक्यू हो गया, अब डिस्टेंस ऑफ पीक्यू निकाल दिया, अब डिस्टेंस ऑफ एसआर निकाल लो। ठीक है, डिस्टेंस ऑफ एसआर कैसे निकालेंगे बताओ, अब तो तुमको आ भी गया होगा निकालने के लिए। एसआर निकालने के लिए ध्यान से 11 में से क्या माइनस होगा, 6 माइनस हो जाएगा, तो सबसे पहले आप 11 में से क्या माइनस कर दो, 6 को माइनस कर दो, फेयर इनफ, 11 में से 6 माइनस हो गया। दूसरा यहां माइनस 1 है तो इस ये माइनस 1 हो गया, ये लिख दिए, अब दो बार माइनस आ रहा तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, याद होगा यहाँ क्या आ जाएगा 6 दी होल स्क्वायर। ठीक है, कभी कभी मतलब फॉर्मूले होते नहीं है, हम बना देते, ये दो बार माइनस प्लस होगा ये तुम्हारे कन्वीनियंस के बनाया है, ये फॉर्मूला ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, ये आ गए यहाँ पर 11 - 6 कितना हो जाएगा 5 स्क्वायर हो जाएगा, 6 में से 1 माइनस होगा ना, क्योंकि माइनस प्लस माइनस है तो माइनस होगा, 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, अगेन सेम आ रहा है 5² + 5² तो मेरे को ज़्यादा डिटेल में आने की जरूरत नहीं, इसका आंसर 50 आएगा, मैं इसको 25 2 लिख सकता हूँ, आप ये स्टेप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा मैं लिख देता हूँ वरना तुम लोग बोलोगे कि स्कूल में मार्क्स कम हो जाते हैं, तो ये हो गया, अब इसको 25 2 लिख लो, 25 बाहर आकर क्या होगा 5, तो ये कितना आएगा 5√2 आ जाएगा, 5√2 होगा, फेयर इनफ, यहां तक समझ गए। तो ये आपके पास आ गया 5√2। ठीक है, ये हो गया, अब आते हैं हम डिस्टेंस ऑफ पीएस, तो ये दोनों तो बराबर हो गई साइड, कभी भी याद होगा शोधार्थ बोला है ना मैथ में टेंथ में, तो वो होता ही है, मेजोरिटी टाइम आपको शोधार्थ बोला तो होगा, अगर मतलब शोधार्थ बोला है पैरेललोग्राम में तो वो होगा सर। अब आप निकालेंगे डिस्टेंस ऑफ पीएस, डिस्टेंस ऑफ पीएस आप कैसे निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ पीएस निकालने के लिए आप माइनस करो जिसमें से आपको इसको माइनस करना है, 2 में से 6 को माइनस कर दो पहले, तो 2 - 6 भी होल स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा था पहले -2 आ जाएगा, अब दो बार माइनस है तो क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये ऐड हो जाएगा यहाँ पर, 2 - 6 कितना होगा बेटा -4 होगा, और 6 - 2 कितना होगा +4 हो जाएगा, ये समझ रहे हो ना। ये देखो जिनको माइनस प्लस नहीं समझने आता उनके लिए बेस्ट पार्ट है समझने के लिए, छोटे नंबर में से बड़ा नंबर माइनस हुआ आंसर नेगेटिव आया, बड़े में से छोटा नंबर माइनस किया आंसर क्या आया पॉजिटिव आया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना, ये 16 + 16 होगा, हम इसको 32 लिखने दीजिएगा, पहले जैसे लिखे थे वैसे ही लिखेंगे, 16 2 16 बाहर आकर कितना होगा बेटा 4 होगा, तो ये कितना आएगा 4√2 आ जाएगा, यानी इसका आंसर आपको क्या मिल रहा है 4√2 मिल रहा है, फेयर इनफ। ओके, लास्ट वाला बाकी है, मैं रब नहीं करता हूँ इसको, लास्ट वाला निकालते हैं डिस्टेंस ऑफ आर क्यू निकालते हैं, क्यू आर निकालते हैं डजंट मैटर, डिस्टेंस ऑफ क्यू आर निकालते हैं, अल्फाबेटिकली बराबर है ना, हाँ क्यू आर निकालेंगे तो 7 में से क्या माइनस होगा बेटा 11 माइनस हो जाएगा, इतना एग्री करते हो, प्लस 3 में से क्या माइनस होगा -1, तो दो बार माइनस आ रहा है तो क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा, 7 - 11 कितना हो जाएगा -4 दी होल स्क्वायर, 3 + 1 कितना हो जाएगा 4 दी होल स्क्वायर, -4 कितना हो जाएगा 16 + 16, हम उसको 32 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 16 2 समझ में आया, जब दो जुड़वा भाई होंगे तो उनको ऐड नहीं करते (2) लिखते हैं। ठीक है, ये बाहर अगर क्या होगा 4√2 होगा, यानी कि इसका भी आंसर क्या आएगा बेटा 4√2 आ जाएगा। अच्छा, यहाँ तक आने के बाद बच्चे बड़े खुश हो जाते हैं, ये सब निकाल के ऐसे ऐसे करके एग्जाम में छोड़ देते हो, ना ना ऐसे नहीं,
इसके बाद सम को प्रॉपरली कंक्लूड करो। आप मेहमान गया जाते हो, उनसे मिलते हो, तो जाते वक्त क्या करते हो, बिना मतलब बाय बोले निकल जाते हो क्या? नहीं ना, एक प्रॉपर आपको उसको एंडिंग देनी पड़ेगी। सम को भी प्रॉपर एंडिंग देना है, इसका भी कंक्लूजन। ये नहीं होता कि आपको सम आ गया तो आप करके निकल जाओगे। और ये मैनर्स के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, मैनर्स की क्लास नहीं है, मैं इसीलिए सिखा रहा हूँ क्योंकि आपको जो अगर आप प्रॉपर एंडिंग इसका देंगे तो इससे आपकी दो बातें होंगी। पहली बात ये होगी कि आपका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, और दूसरी बात ये होगी कि आपको एंड पार्ट लिखने पर भी मार्क्स मिलते हैं। चाहे वो सम को प्रॉपर एक एंडिंग देना जरूरी है, उसका एक प्रॉपर कंक्लूजन होना जरूरी है। तो एंड में आप क्या लिखेंगे, एंड में आप लिखेंगे सिंस डिस्टेंस ऑफ पी एस इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ क्यू आर एंड डिस्टेंस ऑफ क्यू आर सॉरी पी एस क्यू आर के बारे एंड डिस्टेंस ऑफ एस आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू देयरफॉर क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस इज ए पैरेललोग्राम। आप पूरा पैरेललोग्राम लिखना है, और फाइनली ये लिखने के बाद आप इसको बॉक्स में करेंगे, तब जाकर आपका सम क्या होगा, एंड होगा। एक प्रॉपर एंडिंग देने की बहुत ज़रूरत है, ठीक है। अच्छा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप खुद कर लेंगे, ठीक है। मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि सेम क्वेश्चन है। अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 देखा है तो आप क्वेश्चन नंबर 6 कर लेंगे, एक्सपेक्ट करता हूँ ये कर लेंगे। अगर नहीं आएगा तो बता देना व्हाट्सएप पर या कमेंट सेक्शन में, मैं बता दूंगा। और प्लीज़ कमेंट्स में डाउट पूछा करो, थोड़ा इंटरेक्टिव बनाओ उसको, उस सेक्शन को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है क्या, क्वेश्चन नंबर 6 में वो ये कह रहा है शो दैट ए बी सी डी आर दी वर्टाइसेस ऑफ ए रॉम्बस, ठीक है। मतलब कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी क्या होना चाहिए, ये इसकी ये जो इसके वर्टाइसेस है वो क्या होना चाहिए, एक रॉम्बस होना चाहिए। जैसे पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, रॉम्बस में चारों साइड्स आपको क्या मिलेगी, इक्वल मिलेगी। यानी कि अगर आप इस क्वाड्रिलेटरल में आपको क्या क्या इक्वल मिलेगा, डिस्टेंस ऑफ ए बी बी सी सी डी एंड ए डी, ये आपको क्या मिलेंगे, चारों क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे। आपको जब ये चारों इक्वल मिल जाएंगे तब आप फिर कंक्लूजन लिखेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी क्या है, एक रॉम्बस है। फेयर इनफ, समझ गए। ये क्वेश्चन आपके लिए, जैसे ऊपर वाला क्वेश्चन किया था ये करना है। अब हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है फाइंड एक्स इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स एल एंड एम इज 10। ये क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट मार्क करो क्योंकि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस निकालना नहीं है, डिस्टेंस आपको दिया हुआ है। मतलब देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ 7th वाला क्वेश्चन। 7th वाले क्वेश्चन में क्या है, ये एल है, ये एम है, एल से लेके एम तक का डिस्टेंस आपको क्या दिया है, 10 दिया है। एल का वैल्यू क्या है, x, 7 है, एम का वैल्यू क्या है, 1, 15 है, ठीक है। अच्छा आपको x फाइंड आउट करना है कि x कितना है, ठीक है। तो ये देखते हैं अब इसमें x कैसे निकालेंगे आप। x निकालने के लिए आप क्या करेंगे, देखो आप जैसे करते हो नॉर्मली वैसे कर लो, इसे x1 मान लो, इसे y1 मान लो, इसे x2 मान लो, और इसे क्या मान लो बेटा, y2 मान लो। डिस्टेंस ऑफ LM के लिए फार्मूला क्या होगा बताओ, उसका फार्मूला होगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 दी होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 दी होल स्क्वायर, फार्मूला होगा आपके पास। आगे क्या करेंगे, आगे हम ये करेंगे x2 क्या है बताओ, 1 है बराबर, और ये क्या है, माइनस एक्स है। अच्छा ये थोड़ा सा अजीब दिख रहा है मेरे को, मैं इसको x माइनस 1 में बदल दूं, तो अगर x माइनस 1 में बदलता मतलब ये एक्सपांड कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट तुम्हारी कन्वीनियंस के लिए। तो अगर इसको x माइनस 1 में बदलना है ना, तो इसे x1 y1 कर दो और इसे क्या कर दो, x2 y2 कर दो, ठीक है। तो अब बताओ x2 में से x1 जाएगा, यानी ये क्या होगा बताओ, x2 क्या है, x है, उसमें से x1 जाएगा तो क्या होगा, 1 होल स्क्वायर। घबराना नहीं है, जो मैंने किया आप वैसा चाहे तो वैसे कर सकते हो। फिर y2 क्या है, 7 में से क्या माइनस करना है, 15 माइनस करना है, और डिस्टेंस ऑफ LM दिया हुआ वो कितना है, 10 है, तो 10 लिख दो, ठीक है। आगे के स्टेप में क्या करेंगे, आगे के स्टेप में इसका रूट हटाना है। अगर रूट हटाना है तो यहाँ पर स्क्वायर देना पड़ेगा, अगर यहाँ स्क्वायर देंगे तो यहाँ पर भी क्या देना पड़ेगा, स्क्वायर। अब तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स, स्क्वायरिंग ऑन बोथ दी साइड्स। अगर दोनों जगह स्क्वायर दोगे तो क्या होगा, ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस ये क्या
15 करते हैं तो कितना होगा माइनस 8 का स्क्वायर, और यहाँ पर पूरा क्या आएगा होल स्क्वायर, दोनों जगह क्या आ गया स्क्वायर आ गया, ठीक है। 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा 100, ये स्क्वायर और ये रूट क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा यहाँ पर x माइनस 1 डी होल स्क्वायर, माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64, यहाँ तक बात समझ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अगर आगे आप जाएंगे तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं 100 में से आप माइनस क्या कर दो 64, यहाँ क्या बच जाएगा x माइनस 1 डी होल स्क्वायर, 100 में से 64 को अगर जब माइनस करेंगे आप तो ये बचेगा लगभग लगभग 36 बच जाएगा, 6 माइनस 90 हाँ 36 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्सपांड कर दो, x को पूछो भाई तेरा स्क्वायर क्या है तो बोलेगा x स्क्वायर, 1 को पूछो उसका स्क्वायर क्या है तो बोलेगा 1। अब यहाँ पर ये दोनों को टकराव आपस में, x बंदा क्या होगा x, उसका डबल करेंगे तो कितना होगा 2x, समझ गए, प्लस 36 को यहाँ लेके आओ तो ये क्या होगा बताओ x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 प्लस 36, यहाँ पर क्या होगा माइनस 36 इसी को क्या आ जाएगा 0, समझ गया था। आगे क्या होगा बताओ x स्क्वायर माइनस 2x, 1 में से 36 जाएगा तो कितना आएगा माइनस यहाँ पे 35 इसी को क्या हो जाएगा 0, ठीक है। हाँ कुछ याद आ रहा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो असाइनमेंट में दिया है, ठीक है ना। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से सॉल्व करेंगे, कैसे याद आ रहा है कुछ, इतना लिख लो पहले ये पार्ट लिख लो, हाँ ठीक है चलो। तो इसको मिडिल टर्म से कैसे स्प्लिट करेंगे कुछ याद आएगा तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35 इक्वल टू 0, 35 अंदर 35 होगा माइनस 35 है, 2 लाना है तो कैसे करोगे बताओ 7 5 सा माइनस चाहिए तो इसे माइनस दे दो और इसे क्या दे दो प्लस दे दो, तो ये क्या होगा बताओ ये होगा x स्क्वायर, ये होगा माइनस 7x, ये क्या होगा प्लस 5x माइनस 35 इज इक्वल टू क्या होगा बेटा 0, समझ गए। 7 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस 2 बच जाएगा, और यहाँ पे 35 कॉमन निकाल लें यहाँ से तो x कॉमन आएगा, यहाँ x माइनस 7 होगा, यहाँ पर 5 है, यहाँ से x माइनस 7 यानी कि 5 7 35। जिनको ये नहीं समझ नहीं आ रहा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज जाकर देखें जहाँ पर मैंने स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म बताया, आई थिंक एक्सरसाइज नंबर 2.3 है या 2.4 आप चेक कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, ये हो जाएगा x माइनस 7 और ये हो जाएगा x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0, x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 होगा या x प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा, x इज इक्वल टू क्या आएगा 7 आएगा या x का वैल्यू क्या आएगा माइनस 5 आएगा, तो मोस्ट प्रोबेबल आपको x के कितने वैल्यू मिल गए 2 वैल्यू यहाँ पर मिल गए, समझ रहे आया। तो ये आपका सम यहाँ पर खत्म होता है। अब हम जाएंगे इस क्वेश्चन के, इस एक्सरसाइज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, इंपॉर्टेंट मार्क कर लो ये वाला क्वेश्चन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, टाइप में इंपॉर्टेंट नहीं है उसके कैलकुलेशन में काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्वेश्चन क्या है, शो दैट द पॉइंट ए बी एंड सी आर द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगल, ए बी सी में सी को तो देख ही लिया होगा अंदर रूट आ रहा है वैसे ही घबरा गए होंगे, नहीं घबराना नहीं है ठीक है, पेशेंस रखो कुछ नहीं है उसके अंदर काफी इजी है। ए आपको दिया 1.2, बी आपको दिया 1.6, सी आपको दिया है 1+2√3 है पूरा एक नंबर है 4। आपको अगर ये वर्टाइजर एबीसी को इक्विलेटरल ट्रायंगल बताना है तो मेरे को ये बताओ इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल की बेटा प्रॉपर्टी ये है कि उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं, तो आपको डिस्टेंस ऑफ ए बी अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल यहाँ बना दें, हम पॉइंट नहीं लिखा ए बी सी है तो ए बी बी सी और ए सी क्या आना चाहिए इक्वल आना चाहिए, यानी कि आपको तीनों के क्या करने हैं डिस्टेंस निकालने हैं, तो ए बी का डिस्टेंस निकालेंगे बी सी का और ए सी का डिस्टेंस निकालेंगे, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने हैं, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए का वैल्यू क्या है बताओ 1.2 है, बी का वैल्यू क्या है बताओ 1.6 है, सो डिस्टेंस ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे बताओ, डिस्टेंस ऑफ ए बी होगा आपके लिए ये, इसमें से इसको माइनस करो 1-1 दी होल स्क्वायर, यहाँ होगा 6-2 दी होल स्क्वायर, फेयर एनफ गाइस ओके, 1-1 कितना होगा 0, 6-2 कितना होगा 4, बराबर 4 ये आएगा 4 का स्क्वायर 16 और 16 का कितना हो जाएगा 4, तो ए बी कितना आ रहा है 4 आ रहा है। अब क्या निकालेंगे फॉर बी सी,
BC के लिए क्या करेंगे, B क्या है तुम्हारे पास 1.6 है, C क्या है तुम्हारे पास 1+2√3.4 है। तो डिस्टेंस ऑफ BC निकालेंगे। अब BC का डिस्टेंस निकालने के लिए इसमें से इसको माइनस करेंगे, तो 1+2√3 में से क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा। समझ रहे हैं, ये पूरा एक था, इसमें से ये माइनस हुआ, यहां पर क्या माइनस होगा बताओ, 4 में से 6 को माइनस करेंगे आप, प्लस 1 और माइनस 1 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बच जाएगा आपके पास, 2√3 का स्क्वायर बच जाएगा, 4-6 कितना हो जाएगा बेटा, -2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर कोई बच्चा घबरा गया, बोले सर ये वाला स्क्वायर कैसे करते हैं, काफी आसान है, जो रूट के बाहर है पहले उसका स्क्वायर लिख दो, क्या इसका स्क्वायर, बोलो 2 का स्क्वायर 4 है, जो रूट के अंदर उसके रूट को हटा दो, मतलब ये रूट के अंदर इसके रूट को हटाओगे तो क्या बन जाएगा 3, और -2 का स्क्वायर तुमको मालूम है कितना होता है 4, 4 दी जाएगा बेटा कितना होगा 12, और यहाँ पर क्या आएगा 4 आएगा, 12+4 कितना होगा 16, 16 को रूट से बाहर निकालोगे तो कितना आएगा 4, ये भी 4 आ रहा है, ये भी 4 आ रहा है, BC निकाल लिया, ये भी निकाल लिया, अब क्या निकालेंगे AC, AC भी आपको क्या मिलना चाहिए 4 ही मिलना चाहिए, ठीक है, फेयर इनफ। सो डिस्टेंस ऑफ AC निकालेंगे, अब डिस्टेंस ऑफ AC निकालने के लिए आप क्या करेंगे, A पॉइंट है आपके पास 1.2, C पॉइंट है आपके पास 1+2√3.4, तो डिस्टेंस ऑफ AC निकालो, AC निकालने के लिए आप क्या करेंगे बताओ, ये पूरे में से इसको माइनस करेंगे, यानी 1+2√3 में से क्या माइनस होगा, 1 माइनस होगा जैसे पहले किए थे, और 4 में से क्या माइनस हो जाएगा 2, बाकी की कहानी आप समझ चुके होंगे, प्लस 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा 2√3 उसका स्क्वायर, और 4-2 उसका स्क्वायर, आपको मालूम है आगे क्या होगा, 2√3 के स्क्वायर के लिए आप कैसे करेंगे बताओ, 2 का स्क्वायर 4, रूट 3 का स्क्वायर 3, प्लस 2 का स्क्वायर 4, 4 3 का कितना होगा 12, 12+4 कितना होगा 16 होगा, और 16 को फैक्टर कितना आएगा 4, यानी कि इससे कंक्लूजन क्या मिला, डिस्टेंस ऑफ AB इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ BC इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ AC, देयरफॉर अगर ये तीनों साइड्स इक्वल आ रही हैं, देयरफॉर ट्रायंगल ABC क्या होगा बताओ, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ठीक है, समझ में आया होगा। तो फाइनली हमारा और क्वेश्चन बचा है क्या, नहीं, तो फाइनली हमारा ये एक्सरसाइज खत्म होता है। अगर तुमको कोई भी डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करो, वहां पर बताओ, मैंने एक प्रॉब्लम होमवर्क दिया है उसको कंप्लीट करो, और प्लीज ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स और स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करो, बाकी लोगों को भी मालूम पड़ना चाहिए कि हमने कॉलेज सेक्शन के साथ साथ स्कूल सेक्शन के भी वीडियो अपलोड करना शुरू किया है, हमने क्लास 8 और क्लास 9 के भी वीडियो अपलोड करना शुरू कर दिया है। सो प्लीज जितने से ज्यादा